भाई लोगों, हाल ही में एक मूवी आई है, मूवी का नाम है ग्रैंड टूरिज्म। मैंने देखी भाई, मेरे को मूवी सीरियसली कमाल की लगी। तो इस वीडियो के दौरान उसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं कि मूवी के अंदर क्या क्या मस्त चीजें देखने को मिलती हैं, क्या क्या एवरेज चीजें देखने को मिलती हैं, क्या क्या नेगेटिव्स देखने को मिलते हैं। फिर एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे कि मूवी किसको देखनी चाहिए, किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो यूजफुल लगेगी। खैर, शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। तो एक बंदा दिखाया होता है, काफी टीनेजर बंदा होता है। वो अपने बचपन से ही पूरा रेसिंग सिम्युलेटर इस्तेमाल करके रेसिंग का गेम खेला करता है। तो ऐसे ही उस गेम के अंदर महारत पा लेने की वजह से उसको एक मौका मिलता है, जिसकी वजह से उसको ऐसे प्रोग्राम के अंदर सिलेक्ट करा जाता है जहाँ पे अगर वो जीतता है वो वाला कंपटीशन तो उसको असली रेस करने का मौका मिलेगा। अब भाई, इस बंदे को उम्मीद मिलने लग जाती है कि ये भी एक प्रोफेशनल रेसर बन सकता है। अब ये बंदा प्रोफेशनल रेसर बन पाता है या फिर नहीं, ये जानने के लिए दोस्तों आपको मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे बता दूं कि कहानी जो है इस मूवी के अंदर भाई बिल्कुल रियल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो आप समझ ही सकते हो कि मूवी के अंदर बंदा प्रोफेशनल रेसर तो बन ही जाता होगा, वरना अगर नहीं बनता तो उसके ऊपर मूवी क्यों बनती है ना। तो वो बंदा प्रोफेशनल रेसर तो बन जाता, लेकिन जो उसके अप्स एंड डाउन इस मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं वो चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाई गई है। तो अब हम इस मूवी की एक एक डिटेल के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर क्या क्या खूबसूरत चीज देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव जिस तरीके से इसके अंदर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करे जाते हैं भाई, लाजवाब तरीके से। जो मेन कैरेक्टर भाई इस मूवी का, करीब उसको 20 मिनट दिया जाता है आराम से सेटअप होने के लिए, और 20 मिनट के लिए जितना कनेक्ट हो पाता भाई आराम से कनेक्ट हो जाता है। आप उस बंदे की फील करवा रहे होते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका सपना क्या है, आराम से ये चीज कन्वे हो जाती है हम लोगों को। फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ने लग जाती है भाई, इस बंदे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने लग जाता है। पर्सनली मेरे को तो भाई ऐसा फील होने लग गया था कि मैं बंदे की कहानी अपनी कहानी देख रहा हूँ। तो ऐसा कोई अगर मूवी कराने में कामयाब हो जाती तो मेरे को लगता है मूवी ने बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग पकड़ ली है। दूसरा पॉजिटिव लगा इस मूवी के अंदर मेरे को डेविड हार्बर का कैरेक्टर। भाई बंदे ने क्या जान डाल दी मूवी के अंदर, क्या खूबसूरत एक्टिंग करी है। सही में कहना चाहिए भाई, डेविड हार्बर के ऊपर ऐसे कैरेक्टर शूट करते हैं। कोच बना है इस मूवी के अंदर, जो बंदा होता है, जो लीड एक्टर होता है इस मूवी के अंदर, उस बंदे को वो ट्रेन करने का काम करता है। क्योंकि अभी तक उस बंदे ने जितनी भी रेसिंग वगैरह करी है गेमिंग सिम्युलेटर के थ्रू करी है, उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो जी फोर्स वगैरह महसूस होती है, जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उसके लिए उस बंदे को ट्रेन करता है वो बंदा। तो जो इस तरीके से वो बंदा इस मूवी के अंदर ट्रेन करता है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। डेविड हार्बर के कैरेक्टर के लिए आप ताली जरूर बजाओगे इस मूवी के अंदर। अगले पॉइंट की बात करें तो इस मूवी के अंदर जो पेरेंट्स का कैरेक्टर दिखाया भाई, बहुत ज्यादा रियल दिखाया है। ज्यादातर ऐसे मूवीज के अंदर जब ऐसी चीजें दिखाते हैं तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अच्छा खासा कलेश होता हुआ दिखाते हैं कि बिल्कुल से नहीं बन रही है, पेरेंट्स वगैरह को ज्यादा प्राउड महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन इस मूवी के अंदर चीजें भाई बहुत इमोशनल तरीके से दिखाई जाती है, बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाई जाती है। पेरेंट्स को फिक्र होती है कि बच्चा उनके साथ गलत राह में नहीं चला जाए, तो उनकी जो चिंता होती है एक टाइम पे हमको भी महसूस होती है और एक टाइम पे हमको इमोशनल भी कर देती है। मूवी के अंदर एक मोमेंट आता है तो वो चीज इस मूवी के अंदर जिस तरीके से हमको एक्सपीरियंस कराती है, बहुत कम फ्रेम देखने को मिलते हैं पेरेंट्स को, लेकिन हर चीज भाई महसूस हो पाती है। अगले पॉजिटिव्स की बात करें तो इस मूवी के अंदर जो एक्शन वगैरह दिखाया गया, एक्शन मतलब हाथापाई वगैरह वाला नहीं है, जो कार से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा रियल लग रहे होते हैं। जिस तरीके से वो कार भाग रही होती है, जिस तरीके से विजुअल इस्तेमाल करे जाते हैं, वो अचानक से बंदा रेस करते करते गेम मूड में चला जाता है, गेमिंग वाले इंस्टिंक्ट इस्तेमाल करता है रेस के ऊपर, भाई वो चीज़ इस मूवी के अंदर देखने में कमाल की लगती है। और आप उस कैरेक्टर के साथ इस तरह इन्वेस्टेड होते हैं कि जब बंदा हंस रहा होता है तो आपको भी हंसी आ रही होती है, जब वो बंदा एक्साइटेड होता है तो आपको भी एक्साइटमेंट महसूस होती है, लेकिन जब वो बंदा सैड होता है तो आपको भी वो सैडनेस महसूस होती है। तो जिस तरीके से मूवी पूरा एक एम्बियंस क्रिएट करके हमको अपने अंदर इन्वेस्ट कर लेती है, वो चीज़ मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करने के लिए अलग ही लेवल की हो जाती है। और हाँ दोस्तों, इस मूवी के अगर एक पॉजिटिव की बात करूँ तो इस मूवी के अंदर म्यूजिक भी भाई कमाल का सुनने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा कैची, बहुत ही ज्यादा हिप हॉप वाला वाइब आता है। अगर आप भाई मेरे से पूछोगे तो मेरे को मूवी बहुत ज्यादा कमाल की लगी। मैं एक एक मिनट के ऊपर आराम से 5-5 मिनट बोल सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एंगल वगैरह इस्तेमाल करे गए हैं कैमरा के, जिस तरीके से सिनेमाटोग्राफी, जिस तरीके कलर ग्रेडिंग, जिस तरीके कैरेक्टर डेवलपमेंट है मूवी का, हर एक चीज मेरे को, हर एक एलिमेंट बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मूवी कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल हो जाती है, आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगाते रहोगे कि मूवी के अंदर आगे क्या होने वाला, लेकिन अब कहानी क्योंकि रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है तो आप ज्यादा ट्विस्ट वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस मूवी से। इस मूवी का जो मेन मकसद है वो सारे इवेंट्स को एक्सपीरियंस कराने का होता है, जो मूवी बहुत अच्छे से कर देती है। और फिल्म मेकिंग के अंदर एक बड़ी अच्छी कहावत करी जाती है, जो बेस्ट स्क्रिप्ट होती है असली कहानी से देखने को मिलती है। तो इस मूवी के अंदर जब इस मूवी को देखोगे तो ये वाली बात हकीकत में सच होती हुई दिखेगी। नेगेटिव की बात करें तो इस मूवी को मेरे को सबसे बड़ा नेगेटिव बस ये लगता है कि मूवी भाई सिर्फ इंग्लिश में रिलीज हुई है। काश ये मूवी हिंदी में रिलीज हुई होती तो मेरे को लगता है काफी लोग उसको देख के काफी ज्यादा एंजॉय कर पाते, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये मूवी कभी हिंदी में डब हो जाए तो भाई ये वाली मूवी बिल्कुल भी मिस मत करना। लेकिन अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो ये वाली मूवी भाई जरूर जरूर देखना। ओवरऑल कंक्लूजन की तरह ये वाली मूवी अगर खत्म करूं तो भाई यही कह सकता हूं कि मूवी मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई। मूवी आपको बहुत कुछ सिखाती है, लाइफ के बारे में सिखाती है, ग्रिट की वैल्यू सिखाती है, पैशन की वैल्यू सिखाती है, पेरेंट्स के सपोर्ट की वैल्यू सिखाती है, फैमिली की वैल्यू सिखाती है, तो सपना पूरा करने के लिए आपको क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ती है वो सब एक्सपीरियंस कराती है। भाई मूवी मेरे को ओवरऑल बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। हाँ दोस्तों, इसके बारे में एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप मूवी देखना कंसीडर करो तो बेहतर रहेगा इसका ट्रेलर आप मत देखो, क्योंकि ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे विजुअल्स दिखा दिए गए, जब आप मूवी को देखोगे तो आप उम्मीद लगा लो कि ये वाला सीन यहाँ पे आने वाला है, तो वो वाले जो मोमेंट्स होते हैं मूवी को देखते हुए वो चीजें खराब हो जाती है। तो बेहतर यही रहेगा कि इस मूवी को अगर आप देखो तो उसका ट्रेलर मत देखना, सीधे इस मूवी को डायरेक्ट लगा लेना, तभी आप इस मूवी को ज्यादा एंजॉय कर पाओगे, तभी इस मूवी के अंदर सरप्राइजेस आते हैं वो तभी आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ट्रेलर देख लोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मजा कम हो जाएगा, ये नहीं कहूँगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करिए तो मैं भाई इसको 10 में से 8 आराम से दे सकता हूँ। अगर आपने मूवी देखी है तो मेरे को नीचे कमेंट में जरूर बताना आपकी मूवी कैसी लगी। अगर आपने नहीं देखी तो भाई इस मूवी को देखना जरूर कंसीडर करना। अभी की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शो रोमानी साइनिंग ऑफ।